हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शानवी एंड मम्मी। तो यहाँ पे मैं तैयार हुई हूँ उज्जैन जाने के लिए महाकाल की नगरी में। और ये दिन है सोमवार का 29 जुलाई, मतलब कि 29 जुलाई सोमवार के दिन हम लोग निकल रहे हैं। सुबह 5 बजे का वीडियो है ये। और हम लोग कार से गए थे, लेकिन कार से हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा, मतलब कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल पाए थे। और पता नहीं क्योंकि हमारे यहाँ की रोड काफ़ी ख़राब है, हरदा टू उज्जैन तक की, मतलब इंदौर तक की समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है बहुत ज़्यादा। और लौटते टाइम तक तो पानी कम्प्लीट भर चुका था। तो क्या हो गया, हमारी गाड़ी का जो गियर था वो ख़राब हो गया और वो एक जगह पर स्टक हो गया, मतलब जैसे एक गियर पे अटका है तो उसी पे अटक गया और गाड़ी ख़राब हो गई। और कम से कम एक घंटे की मशक्क़त के बाद 6:30 बजे के आसपास, सात बज गए थे ऑलमोस्ट, तब तक गाड़ी ख़राब ही खड़ी रही उस जगह पर। एक टाइम पे तो लगा कि चलो अब कहीं और चल देते हैं, घर ही चल देते हैं नहीं तो, बट फिर वही है, महाकाल को बुलाना था तो उन्होंने आखिर बुला ही लिया। तो मेरे हस्बैंड ने और जो अंकल जी साथ में गए थे उन्होंने ही मिलके उसको सुधार दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये नेमावर हंडिया की नर्मदा नदी है और इतनी ज़्यादा भर चुकी है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है पानी अभी काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद जो है हम लोग सीधे उज्जैन पहुँचेंगे, उसके बाद आपको सारा कुछ पता चलेगा कि मैं उज्जैन का कहाँ कहाँ गई। और एक बात आपको बता देती हूँ हिंट में कि मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आपको एक इन्फ्लुएंसर देखने को मिलेंगी जो कि शायद आपको आपकी पसंदीदा हो सकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं वो इन्फ्लुएंसर। और मुझे वो रैंडमली पता मिली और मुझे पता था कि वो ओमकारेश्वर या उज्जैन में है समवेयर, बट ये नहीं पता था कि वो मुझे मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो है हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके थे तो वहाँ पर कदम के पौधे लगे हुए थे ना, कदम जो होता है ना स्कूल टाइम पे हम लोग इसका कदम ला रहे हैं ना भाई, कम वीडियो बना ले घर से कदम लाते हुए का। रियल गेम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो जैसे ही मैंने शूज लगा के निकली फिर वो बोलने लगी मुझे भी चाहिए। फिर मैंने उसको पानी से धोकर और ईशानवी के चेहरे पे ऐसे ही लगा दिया टाइम पास, और उसने फिर वो उसको अच्छा लगा कि हाँ मैंने लगाया। और हमेशा मैं उससे अलग होकर लगाती थी, ये पहली बार ही था जब उसके साथ में लगाया। और यहाँ पे जो है हम लोग एक उज्जैन में कैंपस है, मतलब कैंपस बोलेंगे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे सॉरी, शौचालय है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर मैंने कपड़े छे। मंचूरियन हिट द कैमरा, हम तो सुंदर लड़की को लेंगे ना यार, बस गन्नू तो और पोकट बात क्यों कर रहे हो लिपु बाबा। रुमाल आपके पास है उसका याद है ना, मैं पर्स क्यों लाए तुम, घूमो क्यों, ये पर्स को लाओ, क्यों बोला लाओ, अच्छा हाँ जूता यहाँ रख देंगे, जाओ बेटा। वैसे अंदर भी है जूता स्टैंड, यहीं रखना, यहीं रख दो, अपनी मर्जी है जैसा अपन चाहे, अंदर भी है। चलो यहीं रख दो, तुम्हारी इच्छा यहीं रख दो। बोल
चलो भैया चलो, चलने दो, चल रहा चलने दो, जब थक जाएगा फिर तो अपने को लेने ही है गोद में। बेटा आराम से देख के टकरा मत जाना आप बस। अच्छा इसका मन कर रहा होगा मैं ऐसे कपड़े खरीदूं। अच्छा ये फ्रॉक व्रॉक छोड़ के पहनेगा बाय। इसे पक्का कुछ कुछ गिनती की वो होंगी शिवलिंग। ये अपन ने पहली बार देखा ऐसा कैंपस है ना। अंदर सिर्फ मोबाइल नहीं ले जा सकते आप, सॉरी कैमरा। बेटा धक्का नहीं देते गंदी बात, कैमरा नहीं ले सकते, कैमरा जाओ, कैमरा नहीं ले सकते अंदर। उतार दो। अच्छा उतार। अच्छा यहाँ से फिर शायद पूरा घूमने के बाद हो, सॉरी सॉरी। हाँ मुझे समझ में नहीं आया फिर। ठीक ठीक बना रही ना। ओहो ईशान भी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। अभी गेट का वहाँ से अच्छे से आएगा पूरा बैग से, मतलब पूरा या ओहो ट्रेल। अच्छा तो इसका मतलब मुझे ही बनाते रहो तुम तो बस गिर मत जाना बस भैया। देखो लिप्पू गणेश जी, देखो गणेश जी से जय हो बोलो, जय हो। आ जाओ ईशान भी, चलो आगे चलो। वंटी जी वहीं खड़े हैं, आगे चलो आप, चलो। हाँ अभी गुस्सा हो जाएगी फिर वो। ओ वाओ ग्रेट। इस साइड देखो, इस साइड देखो। क्या बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता लगा रहे। आंटी जी आंटी वहीं खड़े, चलो जाओ। और नीचे कौन से शंकर जी है क्या? नहीं हनुमान जी। हाँ भगवान परशुराम जब क्षत्रिय भीम कर दिए थे ना धरती। हाँ तो परशुराम भी शंकर भगवान के रूप बोलते ना। हाँ भारत माता मंदिर तो महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मृत्युंजय महाकाल के दर्शन करे और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, बिल्कुल इसमें कोई भीड़ नहीं थी, बहुत ही आराम से बच्चे के साथ में अच्छे से यहाँ दर्शन हो। मूर्तियाँ कहाँ थी यार, अभी तो बहुत सारी थी। मूर्तियाँ कहाँ थी, मूर्तियाँ और यहाँ से हम लोग एग्जिट ले रहे थे और ये पूरा पुलिस लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी खड़ी थी ऑलमोस्ट। हम यहाँ से निकले, हम लोग मंदिर के बैक साइड में पहुँचे थे, वहाँ पर जो है मैंने बच्चे को तीनों ने माथे पर टीका लगाया, उसके बाद हम आगे चले।
कितने जन है आप? 7 जन आंटी जी। गाल पे लगा दो उसके लाल जाने के छह के अलग अलग। ओम 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 आंटी जी, ओम ओम ओम। अच्छा इसके ऊपर। हाँ अरे क्यूटू क्यूटू क्यूटू। भाई बंदर बन गया मेरा। ओह ब्यूटीफुल। पापा जी की क्यों लगवा रहे लिप्पू? पापा जी सुंदर लगेंगे फिर तो। सुंदर मत लगने दो, लगने दो। इसे दे दे आंटी जी को। इतना सुंदर किसका बच्चा लग सकता है? मेरा आप तो पी सकते वाले। आप पी लो, आप पी लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बेटा रोड कार कार कार। कितना सुंदर लग रहा है ना? सुंदर लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पराठा चावल खाए और उसके बाद हम लोग जैसे हमारे वहाँ पर गए जहाँ पर पार्किंग थी, हमारे ड्राइवर उन्हें गायब हो गए और उनको हम लोग यहाँ 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद उनको मिले। तो हम लोग महाकाल के दर्शन करके आ गए और हमारे ड्राइवर भैया हो गए गायब। पैसे भी 1000 रुपये रखे यार, पर्स भी अंदर है। हाँ। ऑनलाइन। तो यहाँ महाकाल के दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है काल भैरव। इसके बाद हम लोग काल भैरव जाएंगे, उससे पहले हमारे ड्राइवर अंकल मिल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे। हम लोगों ने दाल चावल खा लिए, फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए, चाय पी लिए फिर से, और मतलब मोबाइल चार्ज कर लिया 80%। इतना सब कुछ करने तक अंकल जी नहीं आए हमारे ड्राइवर भैया, तो वो भी महाकाल के दर्शन करने के लिए चले गए थे। तब तक हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे काल भैरव, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी कामिनी सिंह मेरे चैनल पर, क्योंकि वो मुझे रैंडमली वहाँ पर मिल गई थी और मैं उनके बारे में आपसे ज़रूर बात करूँगी उस ब्लॉग में, तो आप उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मैं काल भैरव का आपको वीडियो दिखाऊंगी। और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं तो। और मुझे पता था कि वो यहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा कीचड़ बारिश हो रही थी, क्योंकि मैंने उनका आज ब्लॉग देखा, वो महाकाल में साड़ी पहन कर गए थे लेकिन काल भैरव में वो ग्रीन कलर का सूट पहन कर आए थे, क्योंकि इतनी बारिश के बाद वो नहीं पहन सकते साड़ी, इतने ज़्यादा कीचड़ थी, पूरे शूज़ कपड़े सब कुछ ख़राब हो गए।